स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के झांसी में 27 बीघा की फसल जलकर हुई खाक, स्थानीय विधायक ने मौके पर जाकर लिया जायजा। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से मोट तहसील क्षेत्र के विभिन्न खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में बिजली व अन्य कारणों से लगातार आग लग रही है, जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को ग्राम ममूसा के पास खेतों में 132 kV की बड़ी लाइन का तार बबूल के पेड़ से टकरा गया और भीषण आग लग गई। वहीं खेतों में काम कर रहे 15 वर्षीय जयदीप ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे अचानक आई हवा के झोंके से खेत के ऊपर से निकले 132 kV बड़ी लाइन में बबूल की झाड़ियां टकरा गई। अचानक बबूल का पेड़ जलने लगा। आग ग्राम मबूसा निवासी हरिश्चंद्र राजपूत एवं उनके भाई पर्वतलाल मेहताब, अखिलेश राजपूत, फूल सिंह राजपूत एवं प्रवीण राजपूत के खेतों को एक साथ आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि 1 घंटे के अंदर ही सभी लोगों की 27 बीघा जमीन में खड़ी सूखी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़े और ट्यूबवेल की सहायता से आग को बुझाया गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड मोड को दी गई। 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने भी आग को बुझाया। सभी किसानों का करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। झांसी संवाददाता ऋषभ कनकने की रिपोर्ट। खेत जल गया है, किन कारणों से खेत जला है? मौके पर किसानों के पास आए हैं कि आपको किसानों का नेता भी कहा जाता है, क्या कुछ सहयोग करने वाले हैं? अभी जानकारी मिली थी कि तहसील मोड के ग्राम महूसा में किसानों की फसल को जो नुकसान हुआ है और वो बिजली के कहीं ना कहीं करंट के कारण, तो वो 11,000 की या 33 की या 1,32,000 की हाई टेंशन वाली, और ये जांच का विषय है। लेकिन अभी मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा किसानों का पूरी तरह जो फसल गेहूँ की खड़ी थी एकदम तरझार नुकसान हो गया। उनका 100% जो फसल उनकी बोई गई थी पूरी तरह नष्ट हो, उसमें कहीं भी बचत का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये इसके लिए अपन ने अधिकारियों से बात की है और पहले तो SDM महोदय से कहा, हमें लगता है उन्होंने शायद मौके पर लेखपाल महोदय को भेज भी दिया है, और जो नुकसान का आकलन हुआ और कहीं अगर जांच में ये आएगा कि ये हाई टेंशन या जो 33 वाली या 11,000 वाली जो बिजली विभाग की लाइट है और उसके ऊंचे नीचे के कारण कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें परसों भी शिकायत की गई है, और अगर गलती होती है तो निश्चित रूप से किसानों की भरपाई के लिए चाहे उसे बिजली विभाग करे या कहीं कृषि मंडी उपज की ओर से या जैसे भी हो, लेकिन किसान की भरपाई हर हालत में होना चाहिए। और हमें लगता है ये नुकसान किसान के लिए बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि फसल तैयार करता है, साल भर में मेहनत करता है, पानी देता है, खाद देता है, बाद में फसल बिल्कुल नहीं मिलती है और नुकसान हो जाता है। तो ये किसान के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्षति है, तो इसके लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे। अभी बिजली विभाग वालों से अधिकारियों को भी अवगत कराया और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, और हमें लगता है उसका आकलन होगा और जो भी इनका उपज का भरपाई के लिए पूरा अपन प्रयास करेंगे, और जो वास्तव में जिन परिवारों के लिए फसल नष्ट हुई उनके हमारी भी सिंपैथी है, लेकिन उनकी फसल नुकसान का अपन पूरा प्रयास करेंगे शासन स्तर पर। ओके।